हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, यूट्यूब पर जब भी कोई नया क्रिएटर अपना नया चैनल ओपन करता है तो दोस्तों उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि जैसे जैसे उसके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे उसको यूट्यूब की तरफ से क्या कुछ मिलेगा। दोस्तों, पहले के टाइम में आपको सबसे पहले अपने चैनल पे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पड़ते थे दोस्तों, उसी के बाद आपके चैनल पे आपको कुछ ना कुछ मिलना स्टार्ट होता था। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में आपको 0 सब्सक्राइबर पे ही यूट्यूब की तरफ से बहुत कुछ मिल जाता है, जो कि दोस्तों मैं आपको वीडियो के बीच में सब कुछ बताने वाला हूं कि आपको 0 सब्सक्राइबर पे ही यूट्यूब की तरफ से क्या मिलता है। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले 50 सब्सक्राइबर की बात कर लेते हैं कि जब आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं दोस्तों आपको यूट्यूब की तरफ से क्या कुछ मिलता है। तो दोस्तों, जब आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो दोस्तों यूट्यूब की तरफ से आपको लाइव का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, आप अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। दोस्तों, अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करने से दोस्तों आपका वॉच टाइम बहुत ही जल्दी से ग्रो होता है, जिससे कि दोस्तों आपके चैनल मोनेटाइज होने में बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प होती है। दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्तों आप अपने चैनल पर कितना लाइव आते हो। दोस्तों, आप अपने चैनल पर जितना ज्यादा लाइव आओगे दोस्तों आपका वॉच टाइम उतना ज्यादा ही इंक्रीज होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर आपको क्या मिलता है। तो दोस्तों, पहले के टाइम में आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको कस्टमाइज यूआरएल का ऑप्शन मिलता था, जिसमें कि दोस्तों अपने चैनल का यूआरएल अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में आपको कस्टमाइज यूआरएल की जगह दोस्तों यूट्यूब हैंडल मिलता है, जो कि दोस्तों आपको 0 सब्सक्राइबर पे ही मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको 500 सब्सक्राइबर पे क्या मिलता है। तो दोस्तों, पहले के टाइम में आपको 500 सब्सक्राइबर पे कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन मिलता था, जो कि दोस्तों अब आपको 0 सब्सक्राइबर पे ही मिल जाता है। दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों आप अपने चैनल पर क्विज, टेक्स्ट पोल, इमेज पोल कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको 1000 सब्सक्राइबर पे क्या मिलता है। तो दोस्तों, जब भी हमारे चैनल पर पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए दोस्तों आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के साथ साथ दोस्तों आपको चैनल पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब हमारे चैनल पर 10000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, जब हमारे चैनल पर 10000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों हमें अपने चैनल पर स्टोरी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें दोस्तों हम अपने चैनल पर छोटी छोटी स्टोरी डाल सकते हैं। दोस्तों, आप अपने चैनल पर स्टोरी के थ्रू दोस्तों अपनी वीडियोस को और दोस्तों दूसरों की वीडियोस को भी प्रमोट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर पे क्या मिलता है। तो दोस्तों, जब भी हमारे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं दोस्तों हर एक क्रिएटर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि दोस्तों 1,00,000 सब्सक्राइबर पे दोस्तों हर किसी क्रिएटर को सिल्वर प्ले बटन मिलता है, जो कि दोस्तों हमें भी मिल चुका है। और दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा कि मेरे चैनल पर तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो दोस्तों मेरे पास सिल्वर प्ले बटन कैसे आया। तो दोस्तों, मैंने एक ट्रिक का यूज किया था दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों आज मेरे पास ये सिल्वर प्ले बटन है। दोस्तों, वो ट्रिक क्या थी दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताने वाला हूं, तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि 1,000,000 सब्सक्राइबर मतलब 1,00,000 सब्सक्राइबर पे हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, जब हमारे चैनल पर 1,000,000 मतलब कि 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमें यूट्यूब की तरफ से गोल्ड प्ले बटन मिलता है, जो कि दोस्तों सिल्वर प्ले बटन से साइज में और दोस्तों वेट में दोनों में बड़ा होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जब हमारे चैनल पर 10,000,000 मतलब कि 1,00,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, जब हमारे चैनल पर 1,00,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमें यूट्यूब की तरफ से डायमंड प्ले बटन मिलता है। दोस्तों, डायमंड प्ले बटन एक मेटल का होता है और दोस्तों उसके बीच में एक डायमंड लगा होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 50,000,000 सब्सक्राइबर मतलब कि 5,00,00,000 सब्सक्राइबर पे हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि दोस्तों जब हमारे चैनल पर 50,000,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमें यूट्यूब की तरफ से रूबी प्ले बटन मिलता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। दोस्तों, हमें यूट्यूब की तरफ से कोई भी रूबी प्ले बटन नहीं मिलता। दोस्तों, जब हमारे चैनल पर 50,000,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमें यूट्यूब की तरफ से कस्टम प्ले बटन मिलता है। तो दोस्तों, कस्टम प्ले बटन में क्या होता है दोस्तों, जिस भी चैनल के 50,000,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो दोस्तों यूट्यूब क्या करता है, उस चैनल के लोगों को जैसा एक प्ले बटन बनाकर उस चैनल को देता है। और दोस्तों, कस्टम प्ले बटन सबसे पहले प्यूडीपाई को मिला था, जो कि दोस्तों रूबी कलर का था, और दोस्तों उन्होंने ही इसका नाम रूबी प्ले बटन रखा था। और दोस्तों, तब से हर कोई सोचता है कि 50,000,000 सब्सक्राइबर पे यूट्यूब की तरफ से रूबी प्ले बटन मिलता है। लेकिन दोस्तों, 50,000,000 सब्सक्राइबर पे कोई भी रूबी प्ले बटन नहीं मिलता, दोस्तों कस्टम प्ले बटन मिलता है, जो कि दोस्तों हर एक चैनल का अलग कस्टम प्ले बटन होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 100,000,000 सब्सक्राइबर मतलब कि 1,00,00,000 सब्सक्राइबर पे हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, 100,000,000 सब्सक्राइबर पे हमें यूट्यूब की तरफ से रेड डायमंड प्ले बटन मिलता है। तो दोस्तों, रेड डायमंड प्ले बटन ब्लैक मेटल का होता है और दोस्तों उसके बीच में रेड डायमंड लगा होता है। और दोस्तों, रेड डायमंड प्ले बटन पूरी दुनिया में सिर्फ 7 चैनल को ही मिला है, जिसमें से दोस्तों 2 चैनल तो हमारे इंडिया के ही हैं। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि दोस्तों आपको भी एक दिन रेड डायमंड प्ले बटन मिले। लेकिन दोस्तों, रेड डायमंड प्ले बटन लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, अपने चैनल को आपको प्रोफेशनल लेवल का बनाना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपनी वीडियो को इंप्रूव करना पड़ेगा। और दोस्तों, रही बात इस सिल्वर प्ले बटन की, तो दोस्तों आपको सोच रहे होंगे दोस्तों मेरे पास सिल्वर प्ले बटन कहां से आया। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों इस चैनल के अलावा मेरा एक और
और चैनल है, जिस चैनल पे दोस्तों आज के टाइम में मेरे 6.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों ये सिल्वर प्ले बटन मुझे उसी चैनल पे मिला था। दोस्तों सिल्वर प्ले बटन लेने के लिए कोई भी ट्रिक काम नहीं आती दोस्तों, आपको अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आपको सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। और दोस्तों आपके 1 लाख सब्सक्राइबर जेन्युइन होने चाहिए दोस्तों, तभी आपको सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। आशा की दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।